8 दिसंबर के दिन गुजरात इलेक्शंस के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, तो आज जानते हैं कैसे कैसे गुजरात के अंदर पॉलिटिक्स इवॉल्व हुआ। आजादी से पहले गुजरात बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के फॉर्मेशन के बाद हुए महा गुजरात मूवमेंट की वजह से बॉम्बे और गुजरात को 1960 में डिवाइड करके अलग अलग स्टेट्स का दर्जा दिया गया। 1960 में पहली बार कंडक्ट किए गए इलेक्शंस में सबसे पहले कांग्रेस ने जीत हासिल की और जीवराज नारायण मेहता गुजरात के पहले चीफ मिनिस्टर बने। 15 साल तक यानी 1960 से 1975 तक कांग्रेस ने गुजरात की कमान संभाली। इस पीरियड के बाद कई नेता आए और गए, लेकिन 1990 के समय कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और जनता दल और बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाने का निर्णय लिया। 1995 ही वो साल था जब से बीजेपी को अपना डोमिनेंस फील होना शुरू हुआ। केशुभाई पटेल के बाद भी कई नेताओं ने छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए आकर गुजरात की कमान संभाली और नरेंद्र मोदी ने 2001 में गुजरात को सीएम के तौर पर संभाला। 2014 तक गुजरात के सीएम का रोल अदा करने के बाद आनंदीबेन पटेल, विजय रूपानी और भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के सीएम पद को संभाला।